आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, सी न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सांसद खेल स्पर्धा के समापन के मौके पर अपने संबोधन में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने खेलों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खेल के स्तर को बढ़ाना चाहते हैं, इसके लिए व्यापक प्रयास भी किए जा रहे हैं। स्थानीय स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने के लिए खिलाड़ियों और पूर्व खिलाड़ियों को प्रोत्साहित भी किया जाएगा। मैं कहना चाहता हूं कि अगर खेलों का विस्तार करना है तो उसमें जो राज्य के खेल संघ है, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन है, एक इनकी जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा राज्य की सरकारें हो या केंद्र सरकार हो, साथ ही साथ जो एनजीओस है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, कॉर्पोरेट्स है, इनकी भी एक बहुत बड़ी भूमिका है कि खेलों को आगे बढ़ाया जाए। और पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा माननीय मोदी जी ने जिस तरह से खेलों के प्रति अपना जो शुरू से खेलों को बढ़ावा देने का काम करते रहे, गुजरात में भी अब देश में भी, उसका एक लाभ देखने को मिला कि हिंदुस्तान का किसी भी ओलंपिक्स में आज तक का सबसे बड़ा कंटिंजेंट कभी किया तो इस बार टोक्यो ओलंपिक्स में 128 एथलीट्स का टोक्यो ओलंपिक्स में हमारा सबसे बड़ा कंटिंजेंट किया। और जहां तक पैरालंपिक्स की मैं बात करूं, जब से पैरालंपिक शुरू हुई तब से लेकर इस साल तक कुल मिलाकर 12 मेडल पैरालंपिक्स में हमारे थे। पिछली बार तो 19 खिलाड़ी पैरालंपिक्स में गए थे, लेकिन इस बार 19 मेडल पैरालंपिक्स में जीत कर आए मेरे भाइयों का। आगरा केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने खेलों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खेलों के स्तर को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, ओलंपिक हो या फिर पैरा ओलंपिक। शानदार खेल का प्रदर्शन भारत ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले से ही अभ्यास को लेकर चिंतित थे, ओलंपिक के दौरान लगातार खिलाड़ियों से संपर्क बनाए। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने ऐलान किया कि तहसील स्तर पर ऐसे तमाम सारे हब बनाए जाएंगे जिससे वर्तमान खिलाड़ी और पूर्व खिलाड़ियों को मौका मिल सके, प्रशिक्षकों को मौका मिल सके जिससे प्रतिभाओं को निखारा जा सके। क्षेत्रीय स्तर पर निखरने वाली प्रतिभा ही भारत का नाम दुनिया में रोशन। अपने साथी दुबे के साथ राकेश कनौजिया, सी न्यूज आगरा।